कुखराया रेल हादसे मामले में भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। रेल हादसे के साजिश रचने वाले आरोपी शमशुल होदा को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी होदा ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों के दबाव में दुबई से नेपाल में रिपोर्ट किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ IBNIA की टीमें कई दिनों से नेपाल में मौजूद थी। होदा ने नेपाल पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकी हमलों की कलई खोलते हुए होदा ने बताया कि भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से उसे लगातार निर्देश मिल रहे थे। उसने बताया कि भारत में खासकर बिहार में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जाना था। रेल पटरियों पर धमाकों की साजिश के बारे में भी उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बता दें, भारतीय एजेंसी को मिले कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ISI एजेंट शमशुल होदा से आंध्र प्रदेश के कनेरू के रेल हादसे और बिहार के घोड़ा सहन में रेलवे पटरी पर बरामद हुए IED के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बिहार पुलिस की जांच में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया था कि उन्हें नेपाल के एक शख्स ब्रिजेश गिरी से 3 लाख रुपए मिले थे, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने ब्रिजेश गिरी को गिरफ्तार किया था। शमशुल होदा को 2 दिनों की पूछताछ के बाद कलैया ले जाया गया है, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले साल 20 नवंबर को पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस रेल हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई थी। तो भारतीय खुफिया एजेंसियों को पुखराया रेल हादसे में बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल होदा को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। देखते रहिए DB Live।